सुखिया अपनी 10 वर्षीय बेटी पार्वती के साथ तपती दोपहर में जमींदार के आम के खेत से वापस आ रहा था। पिताजी, मेरा बहुत दिनों से आमरस खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे पार्वती, यहाँ तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं और तेरा आमरस खाने का मन कर रहा है। पिताजी, आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? ईश्वर की मर्जी है पार्वती, और हमें ईश्वर की मर्जी का सम्मान करना चाहिए। ये बोलकर सीधे सुखिया अपनी झोपड़ी में प्रवेश कर गया। झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते ही उसकी पत्नी बिंदु झल्लाते हुए सुखिया की ओर देखकर बोली, बस अपनी बेटी को यही बातें सिखाते रहना। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देते अपनी बेटी से कि ईश्वर से प्रार्थना कर कि हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमें भी पेट भर के भोजन नसीब हो। बस करो बिंदु, बच्चों के सामने इस तरह की बातें नहीं करते, इससे उनके मन में ईश्वर की आस्था कम होती है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे कि घर में दाल चावल घी आटा सब्जियां भरवा कर गए हो। अरे आज भी खाने में सूखी रोटी प्याज और एक मिर्ची मिलेगी। बिंदु, खाने में जो भी मिले हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ना जाने कितने लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ये भी खाने को नहीं है। सुखिया की बात सुनकर बिंदु क्रोधित होकर चली गई। रात के समय पार्वती अपनी माँ से बोली, माँ, मैं दूसरे बच्चों को आमरस खाते हुए देखती हूँ तो मेरा भी बड़ा मन करता है। हाय रे मेरी बेटी, मैं कितनी अभागन हूँ कि मैं तुझे आमरस खरीद कर नहीं दिला सकती, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे कल आमरस दिलवा कर ही मानूंगी। अगले दिन बिंदिया बाजार में अपनी बेटी पार्वती को लेकर चली गई और एक आमरस के ठेले के सामने रुक कर बोली, भैया, मेरी बिटिया का आमरस पीने का बड़ा मन है। मन तो सबका होता है जी, बस जेब में पैसे होने चाहिए। बिंदु ने कुछ पैसे निकाल कर दुकानदार को दिए। अरे ये क्या, ये तो सिर्फ 3 रुपए है। ये 3 रुपए भी मैंने पूरे महीने भर अपना पेट काट काट कर जमा किया है। तो फिर एक काम करो, तुम 1 साल और पेट काट काट कर पैसे जमा करो, जब तुम्हारे पास 30 रुपए हो जाए तब यहाँ पर आना और अपनी बिटिया को आमरस का स्वाद चखा देना। बिंदु मुँह लटका कर वहाँ से जाने लगी। माँ, वो दुकानदार आपसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। हम गरीबों की किस्मत में यही लिखा होता है पार्वती, लेकिन तू चिंता मत कर, आज तो मैं तुझे आमरस दिलवा कर ही मानूंगी, चल मेरे साथ। कहाँ माँ? तेरे पिताजी जमींदार के खेत में काम करते हैं ना, वहाँ पर पेड़ों पर सैकड़ों आम लटके पड़े हैं, क्या जमींदार के पेड़ से हम 3-4 आम नहीं तोड़ सकते? बिनिया अपनी बेटी पार्वती को लेकर आम के बगीचे में पहुँच गई। अरे माँ, देखो कितने सुंदर सुंदर आम लटक रहे हैं, बिल्कुल पीले पीले, इन्हें खाकर तो मजा आ जाएगा। बिनिया ने 3 आम तोड़ लिए, तभी वहाँ पर जमींदार अपने साथी कालिया और कल्लू के साथ आ पहुँचा। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि मेरे बाग में आम दिन पर दिन कम क्यों होते जा रहे हैं? तेरे भिखारी पति के ऊपर तरस खाकर मैंने उसे काम पर रखा। क्या मैंने इसलिए उसे काम पर रखा था कि उसकी पत्नी और बेटी यहाँ पर चोरी करें? ऐसा मत कीजिए जमींदार साहब, मेरी बेटी का आमरस पीने का बड़ा मन था, पैसे नहीं थे तो सोचा कि आपके खेत से 2-3 आम तोड़कर अपनी बेटी को खिला दूं, आखिर बच्ची ही तो है। इस तरह से तो गांव में सैकड़ों भिखारी बच्चे टहल रहे हैं, तो फिर जमींदार को तो अपने सारे आम उन भिखारियों में बांट देने चाहिए, नहीं? तभी जमींदार ने वहाँ पर बिंदु के पति सुखिया को बुला लिया और सारी घटना सुखिया को बताते हुए बोला, अब तुम बताओ सुखिया, तुम्हारी पत्नी और बेटी के साथ क्या किया जाए? तुम जानते हो कि जो मेरे बाग से आम तोड़ता है मैं उसका क्या हाल करता हूँ। मेरी पत्नी चोर नहीं है जमींदार साहब, बस वो अपनी बेटी का मन रखने के लिए यहाँ तक चली आई। देखते क्या हो जमींदार साहब, इन तीनों को मार मार कर धक्के देकर बाहर निकाल दो। जमींदार पूरी तरह से पार्वती, सुखिया और बिंदु को अपने खेत से बाहर निकाल दिया। वो तीनों रोते हुए अपनी झोपड़ी की ओर चले गए। मगर अगले दिन जमींदार कल्लू और कालिया उनके घर पर आ धमके। जमींदार साहब, कल आपने मुझे, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची को जानवरों की तरह पीटा, अब यहाँ क्या लेने आए हैं? सुखिया, तेरी पत्नी और बेटी मेरे बाग से पता नहीं कब से चोरी कर रहे होंगे और इस चोरी में तू भी शामिल होगा, तूने मेरा बहुत नुकसान किया है। बस कीजिए जमींदार साहब, हम पर ऐसा आरोप मत लगाइए। नुकसान की पूर्ति करने के लिए मुझे तुम्हारी ये झोपड़ी चाहिए, तुम तीनों ये गांव छोड़कर अभी चले जाओ। जमींदार कल्लू और कालिया ने बिंदु, सुखिया और पार्वती को उनकी ही झोपड़ी से बाहर निकाल दिया। वो तीनों रोते हुए गांव के जंगल के बीच में चले गए। आप तो ईश्वर पर आस्था रखते हैं ना, आप क्या हुआ, मैंने अपनी बेटी का मन रखने के लिए 3 आम क्या तोड़ लिए, उसके बदले में उस जमींदार ने हमें इतनी बड़ी सजा दे दी। बिंदु ने ये बात बोली ही थी कि तभी उन तीनों के कानों में एक बूढ़ी औरत की आवाज टकराई। ईश्वर से निराश नहीं होते बेटी, मुझे ये बताओ तुम तीनों इस भयंकर गर्मी में इस जंगल में क्या कर रहे हो? बिंदु उस बूढ़ी औरत को अपने साथ हुई सारी घटना बताते हुए बोली, हमारा सिर्फ इतना ही दोष है अम्मा जी। अचानक उस बूढ़ी औरत ने अपने थैले से एक बड़ा सा आम निकाल कर तीनों के सामने रख दिया। इतना बड़ा आम देखकर पार्वती खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत बड़ा आम है, मैंने इतना बड़ा आम अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये कोई मामूली आम नहीं है बिटिया, ये खास तौर से तुम्हारे लिए ही बनाया हुआ आम है। पार्वती मासूमियत से बोली, मैं कुछ समझी नहीं। सब समझ आ जाएगा मेरे जाने के बाद, तुम्हें मैंने जो आम दिया है उसके अंदर आम रस के साथ साथ आम के कई गांव समाये हुए हैं। आखिर कौन है आप?
मेरे जाने के बाद इस आम को काटना। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत चली गई। मुझे तो बहुत भूख लगी है माँ, जल्दी से मुझे ये आम काट कर खिला दो ना। पार्वती ने जैसे ही उस आम को काटा, अचानक एक तेज धमाके के साथ वहाँ पर एक बहुत सुंदर आम का घर बनकर तैयार हो गया, जिसकी छत पर हर जगह बड़े बड़े आम ही आम लटक रहे थे। अरे माँ, वो बूढ़ी औरत सही बोल रही थी, ये तो जादुई आम का घर है। बिटिया, सिर्फ आम का घर ही नहीं बल्कि ये तो आम रस का भंडार है, ईश्वर ने हम पर कृपा की है। उस दिन के बाद वो तीनों उसी घर में रहने लगे। अगले दिन बिंदु ने छत पर लटक रहे आम को जैसे ही तोड़ा कि तभी एक धमाके के साथ वहाँ पर आम का दूसरा घर बन गया। बिंदु अपने पति से बोली, ये तो बहुत ही चमत्कारी आम दिखते हैं। तुम सही कह रही हो बिंदु, हम जिस आम को तोड़ रहे हैं वो आम के घर में परिवर्तित हो जा रहा है, पर उस घर में भी सैकड़ों आम लटके हुए हैं। यहाँ तक कि घर के अंदर बिस्तर, कपड़े, तरह तरह के भोजन सब आम रस के ही बने हुए हैं। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना आप आम रस का ठेला लगाकर गांव में मुफ्त में बांटें, और जिन लोगों को जमींदार ने उनके घरों से निकाल दिया है उन्हें यहाँ लेकर आ जाइए। हम पर ईश्वर ने कृपा की है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उन गरीबों की मदद करें। तुम सही कह रही हो बिंदु, मुझे हमेशा से विश्वास था कि तुम मन से भी इतनी ही अच्छी हो। सुखिया उस दिन से आम का ठेला लगाकर गांव में सबको मुफ्त में आम रस बांटने लगा। एक दिन एक गरीब व्यक्ति सुखिया के पास आकर बोला, क्या तुम मुझे थोड़ा सा ज्यादा आम रस दे सकते हो? अरे भाई, तुम्हारी जितनी मर्जी है उतना ले जाओ, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास रहने को घर भी नहीं है। कुछ दिन पहले ही जमींदार ने मुझसे जबरदस्ती अंगूठा लगवाकर मेरा घर मुझसे छीन लिया। मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है। तुम चिंता मत करो, तुम अपने परिवार को लेकर मेरे साथ चलो। वो व्यक्ति अपने परिवार को लेकर सुखिया के साथ चला आया और जंगल में बने हुए आम रस के गांव को देखते हुए आश्चर्य से बोला, ये तो आम रस का पूरा गांव है। भैया, तुम इसमें से एक घर चुन लो और यहाँ आराम से रह सकते हो। यहाँ तक कि और भी जो भी गरीब लोग हैं जिनके मकान जमींदार ने छीन लिए हैं उन्हें भी यहाँ लेकर आओ। समझ गया, आप इस आमरस के गांव के मुखिया मालूम पड़ते हैं, मैं तो आपको मुखिया ही कहूँगा। वो व्यक्ति अपने परिवार सहित उस दिन से वहीं रहने लगा और तमाम गरीबों को वहाँ पर ले आया। गांव को खाली देख जमींदार ने अपने साथी कल्लू और कालिया से बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कल्लू और कालिया कि गांव के लोग आखिर गांव छोड़कर जा कहाँ रहे हैं। जमींदार साहब, आपने ही उनसे उनके घर छीन लिए, अब वो कहीं भी जाए हमें उनसे क्या मतलब। मैंने उनके घर उनसे छीन लिए थे ताकि वो मेरे आम के बगीचे में गुलामी करें, लेकिन वो तो गायब हो रहे हैं। जो दृश्य मैंने कल अपनी आंखों से देखा है, अगर मैं उसे बताऊंगा तो आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब? यहाँ से कुछ ही दूर पर जो घना जंगल पड़ता है ना, वहाँ पर मैंने आम रस से बना हुआ पूरा गांव देखा है। और जानते हैं उस आम रस के गांव का मुखिया कौन है? कौन है? सुखिया। तभी मैं कहूँ कि मेरे गांव में जितनी दुकानें हैं वहाँ पर आम बिक क्यों नहीं रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं सुखिया और उसके परिवार को मार कर वहाँ भी कब्जा कर लूंगा। चलो मेरे साथ। जमींदार कल्लू और कालिया को लेकर सीधे आमरस के गांव में प्रवेश कर गया। जमींदार को देखकर सुखिया पूरी तरह से चौंकता हुआ बोला, आप यहाँ क्या करने आए हैं? जाहिर सी बात है, मेरा काम कब्जा करने का है और इस गांव में भी कब्जा करने ही आया हूँ। तभी एक पेड़ पर लटक रहे बड़े से आम में एक तेज धमाका हुआ। अचानक वही बूढ़ी औरत उस आम के अंदर से निकलकर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो गई और एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई। जमींदार कल्लू और कालिया उसे देखकर बुरी तरह से डर गए। आप तो वही बूढ़ी औरत है ना जिन्होंने मुझे वो जादुई आम दिया था, आप तो सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई। मैं आम रस की रानी रसीली हूँ। जब इस जमींदार का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया तब मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ी, क्योंकि तुम्हारा मन सच्चा था और तुम्हारे मन में इंसानियत थी, जबकि इसके विपरीत जमींदार और उसके दोनों साथी इंसानियत के नाम पर कलंक हैं। इतना बोलकर उस सुंदर स्त्री की आंखों से पीले रंग की किरणें निकलने लगी और देखते ही देखते जमींदार कल्लू और कालिया एक छोटे से आम में परिवर्तित हो गए। अब ये हमेशा आम के ही रूप में रहेंगे और ये आम रस का गांव आज से तुम्हारा है। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री वहाँ से गायब हो गई। सुखिया आज भी आम रस के गांव का मुखिया है। सुनो, एक कबाड़ी था, वह घरों के कबाड़ इकट्ठा करके बेचा करता था। उसे मजबूरन यह काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पता नहीं मुझे कब अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। मुझे तो बस एक कबाड़ बीनने के लिए भेज देते हैं। एक दिन उसे रेडी पर आम बिकते हुए दिखते हैं, जिनको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह रेडी वाले के पास जाता है। भैया, एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे पास भी आम नहीं है, चल भाग यहां से। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहां से भगा देता है। सोनू ललचाई आंखों से आमों को देखता हुआ वहां से चला जाता है। चलते चलते वह एक पार्क में पहुंचता है। वहां पर प्रकाश और अनिल नाम के दो लड़के आम खा रहे होते हैं। हां भाई, यार देख मेरे पापा इतना अच्छा आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, चल जल्दी से निकालो खाते हैं। ये कोई आम आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा। बहुत महंगा है, मेरे पापा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बहुत शौक है ना, इसलिए। आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है,
अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा रहे होते हैं तभी वहाँ सोनू पहुँच जाता है और उन्हें आम खाते देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाते देखकर कैसे ललचा रहा है। क्या पड़ी हुई आंखों से देख रहा है, क्या कभी आम नहीं देखा, खाना है क्या आम? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी तरफ आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है वह आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी तो खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहाँ से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की थैली लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु महाराज मिलते हैं जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वह उन्हें देखकर उनके पास दौड़ कर जाता है। महाराज क्या हुआ, अब बेहोश कैसे हो गए, मुझे इनको पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास की नदी से पानी लेकर आता है और साधु महाराज के मुंह पर छिड़कता है। साधु महाराज को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, और मैं जमीन पर कैसे गिरा, मुझे कुछ याद नहीं है। साधु महाराज गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे, मैंने पास की नदी से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। महाराज ये तो मेरा फर्ज था। पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारी बात बता देता है और अपने आम खाने की इच्छा को व्यक्त करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको दिलासा देते हैं और कहते हैं, सोनू तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूँ, इसमें आमरस निकलेगा, उसको जितनी बार तुम उल्टोगे उतनी बार आमरस निकलेगा, अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल देता है। कमंडल पाकर सोनू बहुत खुश होता है और जी भर के आमरस पीता है। अपने साथ साथ वह और गरीब लड़कों को भी आमरस पिलाता है जो आमरस पीने में असमर्थ थे। एक बार जब सोनू कमंडल में से आमरस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था, ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ है तो वही, पर वो तो कबाड़ी था, उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहाँ से आ रहा है, और इतना सारा आमरस कि वो और बाकी बच्चों में भी बांट रहा है, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आमरस का राज पता चल जाता है। अच्छा तो उसके आमरस का ये राज है, इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की आंख बचते ही वह कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहां पर उन दोनों में होड़ लगती है कि कौन उस कमंडल में से आमरस निकालेगा। ला प्रकाश मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं क्यों कमंडल दूं, मेरे हाथ में है कमंडल तो आमरस मैं ही निकाल देता हूं। नहीं नहीं आमरस तो कमंडल से मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लेकर दिखा दे, आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने मेहनत ज्यादा की थी कमंडल चुराने में, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ, मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं, तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आमरस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वह पहाड़ी से टकराता है उतनी बार आमरस कमंडल से निकलता है जिसकी वजह से वहां बाढ़ आ जाती है। मैंने कहा था ना कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकालूंगा, पर तू तो है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी बार भी ये पहाड़ी से टकराता है उतनी बार इससे आमरस इतना ज्यादा से ज्यादा निकल रहा है, इसी तरह से ये निकलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी आमरस की। मुझे क्या पता था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि बाढ़ आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरी कॉलोनी आमरस के सैलाब में डूब जाती है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस की बाढ़ के बारे में अंदाजा होता है वह उस कमंडल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह बाढ़ में बहता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो बाढ़ आ गई है, इस बाढ़ को कैसे न कैसे करके मुझे ठीक करना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल इस आमरस को अपने अंदर फिर से समेट लो, अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में समा जाएगी, तुमसे अनुरोध है कि इस आमरस को अपने अंदर समेट लो। कमंडल अपने अंदर सारा आमरस ले लेता है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है, इस कमंडल की वजह से तो पूरे आमरस की बाढ़ भी आ गई थी, मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए, मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु महाराज मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूँ, आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लो जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है ये कमंडल तुम्हें वापस ले लेता हूँ, पर हाँ जब भी तुम्हें आमरस पीने का मन हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं इस कमंडल से तुम्हें भरपूर मात्रा में आमरस पिला दूंगा। जी महाराज जब मेरा आमरस पीने का मन होगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, परंतु इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है,
एक ना एक दिन अधिकतर चीज होने की वजह से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा, लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चलाया जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु को प्रणाम करके सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ बेचने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का मन होता है तो वह साधु महाराज के पास चला जाता था। वह अपनी शक्तियों से उसको वही चीज दे दिया करते थे, परंतु वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का परिणाम भुगत लिया था। वही अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है, वह अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं।